गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास थ्री का सब्जेक्ट इंग्लिश में कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग डी सीखेंगे। डी फॉर डॉग होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज डी बनाना सीखें और साथ में हम लोग डॉग का फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप पेरेंट्स से और आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। ठीक है, चलिए हम लोग आज क्या बनाना सीखेंगे? तो आज हम लोग बनाना सीखेंगे डी। ये जो हमारा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी फॉर क्या होता है? डॉग। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं? डॉग बनाना सीखते हैं। ठीक है, आज हम लोग बनाना सीखेंगे डॉग। बड़ा सा डॉग, बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा डॉग। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या बनाएंगे? डॉग बनाएंगे। डी फॉर डॉग होता है ना। चलिए आज हम लोग डॉग बनाना सीखते हैं। हो गया हमारा डॉग? हो गया नहीं, ये हमारा डॉग नहीं हुआ अभी। डॉग ये आधा अधूरा। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं डॉग बनाना। यहाँ से इसको, ये हम लोग का बना। ठीक है, बन गया ना? बन गया? नहीं बना। चलिए फिर हम लोग बनाते हैं इसको, हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, फिर डॉग का एक आइज बना देंगे। ये डॉग का नेक है। बन गया हमारा डॉग? बन गया ना? कितना प्यारा सा डॉग। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। चलिए अब हम लोग डी लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी, डी कैसे लिखते हैं? चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को डॉट्स देकर डी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से डी बनाना सीखे। ठीक है, इस तरीके का डॉट्स दे देंगे। ठीक है, इस तरीके का डॉट्स दे देंगे और हम लोग लाइनिंग कर देंगे। साथ में आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर डायरेक्ट सिर्फ डी डी लिखना स्टार्ट करवा देंगे तो शायद वो भूल जाए या फिर उनके माइंड में सेट ना हो, इसलिए हम लोग डी फॉर डॉग। फिगर से क्या होगा हमको जल्दी याद होगा। ठीक है, डी फॉर डॉग। सब आते हम लोग क्या करेंगे, उनके कॉपी में इस तरीके का डॉट्स दे देंगे। क्या करेंगे? डॉट्स दे देंगे। ठीक है, हम डॉट्स जब देंगे बच्चों को कॉपी में तो हम लोग भी बोलते चलेंगे डी डी, और उनको भी बोलेंगे बस आप बोलो अभी डी। ठीक है, वो बोलेंगे ना तो उनको याद भी होगा, वो समझेंगे भी कि ये जो हमारा लेटर है ये हम लोग का डी है। क्योंकि हम लोग का ये प्री क्लास का है, इसलिए हम लोग को बच्चों को डॉट्स देकर ही सिखाना होगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखना इसमें बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, उनको टफ लगेगा। टफ लगेगा तो उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं सीखेंगे। हम देखते किसी भी चीज़ में जब हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो वो हमारा सही नहीं होता, हम लोग उसको कम्प्लीटली सही से नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जब हम लोगों ने यहाँ पे डॉट्स दे दिए, अब हम लोग बच्चे को बोलेंगे कि बस वो जैसे जैसे है वैसे वैसे ट्रेस करें। और ये जो लेटर है हम लोग का डी है, डी फोर होता है डॉग, ये हमारा डी है। और जितनी बार आप लिखो उसको आप बोलते चलो। ठीक है, डी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर में ऐसे बच्चों को करना सिखा देंगे, एक ट्रेस हम करके सिखाएँ ताकि बच्चे पीछे से आसानी से कर सकें। ठीक है, इस तरीका डी। अब उनको बोलेंगे आप इस पर ट्रेस करो
और बोलते चलो दी, ठीक है दी। डी ठीक है, ये जो लेटर है हम लोग का ये क्या है, डी। डी फॉर क्या होता है, डॉग। बीच बीच में हम लोग उनको ये बताते चलेंगे डी फॉर डॉग, इसे उनको डी फॉर डॉग भी याद होगा और डी लेटर भी याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा डी ऐसे होता है और डी फॉर डॉग होता है, ठीक है। इस तरीके का हम लोग बच्चे से करवाएंगे डी। हम लोग बोलेंगे ना बच्चे को कि आप जितनी बार लिखो उतनी बार उसको बोलते चलो डी, तो उनको जल्दी से याद हो, उनके माइंड में सेट हो जाएगा ये जो लेटर है, इसे हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है डी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डी बनाना सीखा, साथ में ये भी बच्चे को सिखाया ये जो डी होता है डी फॉर डॉग, ठीक है। इसे उनको फिगर ड्रॉ कर देंगे तो बच्चों को जल्दी से और आसानी से याद हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी। आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और घर पे अपने बच्चों से करवाएं अब, और अपने बच्चों को भी इस वीडियो को दिखाएं, आई एम श्योर वो जल्द से जल्द डी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।